गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। ओल्ड सिलेबस और न्यू सिलेबस में क्या डिफरेंस है सब्जेक्ट के अंदर, वो मैं तुम लोग के साथ अभी डिटेल में डिस्कस करने जा रहा हूँ। मेरी बात को ध्यान से सुनना। आई विल बी टीचिंग थ्री सब्जेक्ट्स, लॉ, ऑडिट एंड टैक्सेशन। तो ऑडिट में एक नया चैप्टर ऐड होगा और टैक्सेशन में अभी तक कुछ भी प्रपोज चेंज नहीं है। जो भी बड़ा चेंज है वो लॉ के सिलेबस में। तो लॉ के सिलेबस में सर क्या चेंज है वो एग्जैक्टली मैं तुम्हारे सामने डिस्कस कर दूंगा। किसी को भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। नवंबर 23 एग्ज़ाम में चाहे न्यू सिलेबस एप्लीकेबल हो चाहे ओल्ड सिलेबस एप्लीकेबल हो, हम वही प्रिपेयर करेंगे। अगर ओल्ड एप्लीकेबल है तो हम ओल्ड पढ़ेंगे, अगर न्यू एप्लीकेबल है तो हम न्यू पढ़ेंगे। इसीलिए आज मैं तुम लोग को चैप्टर्स दिखाने जा रहा हूँ, क्योंकि तुम्हें चैप्टर्स पता नहीं होंगे, तो मैं चैप्टर्स दिखाने जा रहा हूँ कि क्या फ़र्क पड़ेगा चैप्टर्स में और कैसे हम लोग इसको प्रोसीड करने वाले हैं। ठीक है, एडमिशन्स ऑलरेडी ओपन हो चुके हैं, एडमिशन सेंटर पे भी स्टार्ट हो चुके हैं और मेरे वेबसाइट पे भी स्टार्ट हो चुके हैं। वेबसाइट पर वी हैव पुट इन ऑल द न्यू बैचेस। ठीक है, ये देख सकते हो तुम, CA इंटर लॉ टैक्स एंड ऑडिट नवंबर 2023 के लिए न्यू बैचेस हैं ये। ऑल द डिफरेंट सब्जेक्ट्स एंड द कॉम्बिनेशंस आर गिवन ओवर हियर। देर आर 10 डिफरेंट कॉम्बिनेशंस। ठीक है, ये आपको दिख रहा है बोर्ड पर सामने, लॉ फुल टैक्सेशन ऑडिट, लॉ इनकम टैक्स ऑडिट, लॉ एंड ऑडिट, फिर लॉ एंड फुल टैक्स, हर तरह की कॉम्बिनेशंस है इसमें। इंडिविजुअल सब्जेक्ट्स भी हैं, जैसे ये देख सकते हो, फुल टैक्स, लॉ, ऑडिट, इनकम टैक्स, GST, इंडिविजुअल सब्जेक्ट्स और डिफरेंट कॉम्बिनेशंस भी है। तो न्यू सिलेबस और ओल्ड सिलेबस जो भी एप्लीकेबल हो उसके लिए सारे नए बैचेस आ चुके हैं। ठीक है, बहरहाल CMA स्टूडेंट्स जो हैं उनके लिए सेपरेट है। इधर देख लो, CMA स्टूडेंट्स के लिए एकदम डिफरेंट बैचेस हैं, डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं और फीस भी डिफरेंट है, वो अलग से लिखी हुई है नीचे। वी विल बी टीचिंग 200 मार्क्स इन CMA इंटर लॉ एंड फुल टैक्स। तो लॉ भी आप ले सकते हो, टैक्स भी ले सकते हो, कॉम्बिनेशन फीस भी लिखी हुई है। एंड साइड बाय साइड जो ओल्ड बैच के स्टूडेंट्स जिनका मई 23 में एग्जाम है वो अभी तक एडमिशन ले रहे हैं, तो वो तो नीचे है ही। ठीक है, तो वेबसाइट पे भी आप ले सकते हो, आप सेंटर पे भी आके ले सकते हो। आपको कोई क्वेरी है तो आप कॉल करके स्टाफ से पूछ सकते हो। नाउ लेट अस कम बैक टू द डिस्कशन। देखो, ओल्ड सिलेबस में ना कंपनी लॉ लिमिटेड है, सेक्शन नंबर 1 से 148 और मार्क्स भी कम है, 60 मार्क का। एक्स्ट्रा 40 मार्क का अदर लॉ है। तो इन लोगों ने सोचा 40 मार्क का अदर लॉ पूरा हटा देंगे। ठीक है, ये कंपनी लॉ के चैप्टर्स हैं। अब न्यू सिलेबस में एंटायर कंपनी लॉ है, इंटर में जो कंपनी लॉ है वो भी, और फाइनल में भी, फाइनल में लॉ का पेपर हटेगा। इवन जो फाइनल में, कई जन ऐसा सोच रहे हैं, गलत सोच रहे हैं, वो फाइनल के अंदर जो सेल्फ पेस्ड ऑनलाइन मॉड्यूल्स होते हैं उसमें भी लॉ में कंपनी लॉ नहीं है, उसमें सिर्फ इकोनॉमिक लॉज है। मतलब फाइनल के सिलेबस से फुल कंपनी लॉ हट जाएगा। ना तो फाइनल के रिटन 6 पेपर्स में होगा, ना सेल्फ ऑनलाइन में होगा। सेल्फ ऑनलाइन में भी इकोनॉमिक लॉज है, कंपनी लॉ नहीं है। तो कंपनी लॉ फाइनल से अगर हटेगा तो वो पूरा का पूरा इंटर में आ जाएगा, इंटरमीडिएट लेवल पर आएगा। ICAI के प्रेसिडेंट ने कई बार बोला कि वी आर नॉट गोइंग टू डाइल्यूट द सिलेबस, मतलब स्टूडेंट को नॉलेज वाइज कहीं भी नुकसान नहीं होगा। तो अब बात ऐसी है कि जो कंपनी लॉ हम लोग पहले फाइनल में पढ़ते थे, वही सारा का सारा कंपनी लॉ हम इंटरमीडिएट लेवल में कंप्लीट कर लेंगे। इट विल बी लाइक अ फुल कंपनी लॉ इन योर इंटरमीडिएट सिलेबस। तो नया सिलेबस ऐसा होगा, उसमें सारा कंपनी लॉ है, सेक्शन 1 से 470, 100 मार्क्स। अब चैप्टर्स क्या क्या हैं सर? शुरू के जो चैप्टर्स आप देख रहे हो वो तो कॉमन है, क्योंकि 148 सेक्शन वहाँ है तो यहाँ भी तो है, तो ये तो कॉमन पोर्शन है। दीज चैप्टर्स, इनकॉर्पोरेशन प्रोस्पेक्टस, शेयर कैपिटल, डिपॉजिट, चार्ज, जनरल मीटिंग, अकाउंट्स, ऑडिट, डिविडेंड, ये तो कॉमन चैप्टर्स हैं। नए चैप्टर्स क्या ऐड हो जाएंगे देखो ज़रा, ये बड़े बड़े नए चैप्टर्स हैं। 3 चैप्टर्स इसमें से डायरेक्टर के ऊपर है, डायरेक्टर, अब बोर्ड मीटिंग्स, फिर मैनेजेरियल रेमुनरेशन, फिर बड़े बड़े चैप्टर्स और है, इन्वेस्टिगेशन, अमालगमेशन, ऑपरेशन मिसमैनेजमेंट, छोटे चैप्टर्स भी हैं, रजिस्टर्ड वैल्यूअर, स्ट्राइकिंग ऑफ, फिर एक बड़ा चैप्टर वाइंडिंग अप, फिर एक छोटा चैप्टर अनरजिस्टर्ड कंपनी, फिर बड़ा चैप्टर प्रोड्यूसर कंपनी जो पूरा नया आया है अमेंडमेंट होकर, फॉरेन कंपनी, गवर्नमेंट कंपनी, ROC, निधि कंपनी, तुमने नाम सुना होगा, NCLT, NECLAT, स्पेशल कोर्ट, मिसलेनियस, ये सारे के सारे फाइनल के चैप्टर्स उठ के इंटर में आ जाएंगे। जो इंटरमीडिएट में कंपनी लॉ का स्तर होता है ना, वो बहुत ऊपर उठेगा, बहुत ज़ोर से ऊपर उठेगा। मैं तुमको इतना बता देता हूँ कि ये जो अदर लॉज इन्होंने हटाया है ये एक्चुअली गुड है, बिकॉज अदर लॉज में जो हमें पढ़ाया जा रहा था वो एक तरह से था ज़बरदस्ती का पढ़ाया जा रहा है।
ठीक है, ज़्यादा काम हमारे कौन सा आता है? कंपनी लॉ आता है। आज तुम जब काम करने जाओगे किसी भी ऑफिस में, आर्टिकलशिप करो चाहे कंपनी में काम करने जाओगे, तुमको ज़्यादा काम तो कंपनी लॉ ही आएगा। कॉन्ट्रैक्टेड काम आने वाला नहीं है ना, नेगो उतना कोई काम आने वाला, नेगो मतलब नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, वो भी उतना कोई काम आने वाला नहीं है। तो अच्छा ही है कि अदर लॉज हटा के फुल कंपनी लॉ इंटरमीडिएट लेवल पर ही डाल दिया, लेकिन इससे लेवल तो बढ़ेगा। सर लेवल क्यों बढ़ेगा? कॉमन सेंस की बात है, ये चैप्टर्स फाइनल लेवल में थे तो इसका जो पूरा का पूरा क्वेश्चन बैंक है, क्वेश्चन एंड आंसर्स है, वो भी तो फाइनल लेवल के स्तर का है। अब जब यही सारे चैप्टर्स फाइनल से उठ के इंटर में आएंगे तो इनका जो क्वेश्चन आंसर्स का लेवल है वो तो ऑलरेडी ऊपर लेवल का है, जो ऑलरेडी बना हुआ है इंस्टीट्यूट के पास क्वेश्चन बैंक, तो वो वहीं से तो उठाएंगे, तो लेवल बहुत बढ़ जाएगा लॉ का। ठीक है, तो नए सिलेबस में लॉ का लेवल पहले ओल्ड सिलेबस के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा रहेगा, अच्छा रहेगा। क्लासेस भी ज़्यादा होंगी बिकॉज लेवल बहुत हाई होता है ना, तो एक एक छोटी छोटी बात समझानी पड़ती है मुझे। नाउ व्हाट आर वी गोइंग टू डू, वो मैं बता देता हूँ। जो बैच आ रहा है इंटर लॉ का फेब्रुअरी 20 से, उस बैच में सबसे पहले हम लोग जो कॉमन पोर्शन है ना वही पढ़ेंगे। वैसे भी वो शुरू का पार्ट है तो पहले तो वो पढ़ाना ही पड़ेगा, स्ट्रेट अवे तो डायरेक्टर्स में जा नहीं सकते। तो शुरू का ये पोर्शन हम लोग स्टार्ट करेंगे विद वॉल्यूम 1 ऑफ द लॉ, जिसमें ये कॉमन चैप्टर्स रहेंगे। जब तक वो कंप्लीट होगा तब तक इंस्टीट्यूट का पूरा अनाउंसमेंट आ चुका होगा कि ओल्ड एप्लीकेबल है कि न्यू एप्लीकेबल है। अब अगर ओल्ड एप्लीकेबल हुआ तो हम ओल्ड के हिसाब से बढ़ जाएंगे, और अगर न्यू एप्लीकेबल हुआ तो हम न्यू के हिसाब से बढ़ जाएंगे। तो इस बात की तो तुमको चिंता नहीं करनी कि सर कौन सा सिलेबस एप्लीकेबल है, आप क्या पढ़ाओगे। नवंबर 23 के एग्जाम में जो भी सिलेबस एप्लीकेबल होगा हम लोग वही सिलेबस पढ़ेंगे, चाहे वो न्यू हो चाहे वो ओल्ड हो। वी विल स्टार्ट विद द कॉमन पोर्शन ऑफ द सिलेबस। तो इसीलिए आज मैंने तुमको पूरा चैप्टर वाइज दिखा दिया, समझा दिया कि ये डिफरेंस है। कहीं भी तुम्हारे लिए चिंता की बात नहीं, तुमको चिंता नहीं करना, चिंता हम करेंगे। ठीक है, चिंता हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जो भी सिलेबस एप्लीकेबल है ओल्ड और न्यू फॉर नवंबर 23 विल स्टडी दैट एंड विल स्टार्ट विद द कॉमन पोर्शन। ऑडिट और टैक्स में इतना इशू नहीं है, ऑडिट में सिर्फ एक चैप्टर इन्होंने बोला है कि जो ऐड करेंगे तो छोटे मोटे चेंजेस है, बड़ा चेंज नहीं होगा। टैक्स में भी इन्होंने कोई प्रपोज चेंज बोला नहीं है। मौजूदा इनकम टैक्स 60 मार्क का है और GST 40 मार्क का है, और इन्होंने उसको चेंज करने का ऐसा कुछ प्रपोज किया भी नहीं है। तो टैक्स भी मोस्टली वही कंटिन्यू करेगा, ऑडिट भी ऑलमोस्ट वही कंटिन्यू कर सकते हैं हम लोग थोड़े चेंजेस के साथ। टैक्स में तो मुझे लगता नहीं कोई चेंज होगा, लेट्स सी व्हाट इज़ द नोटिफिकेशन। सबसे मेजर चेंज लॉ में था जो अभी मैंने तुम्हारे साथ डिस्कस किया है। और भी सब्जेक्ट्स में जो चेंजेस है जैसे अकाउंट्स है, कॉस्ट है, FM ECO वगैरह है, उन सब का रेस्पेक्टिवली अलग अलग सब्जेक्ट के जो टीचर्स होते हैं वो बात करेंगे, वही अच्छी बात है, मैं उसके बारे में कमेंट नहीं करूँगा। आर बी क्लियर विद दिस? तो एक आइडिया मिल गया तुमको चैप्टर्स में क्या डिफरेंस है। न्यू बैच जो स्टार्ट होगा, मैं पहले बता देता हूँ, इस बार बड़ा धमाकेदार बैच होगा। हर बार जब मैं नए बैचेस देता हूँ मैं अपना लेवल पूरा बढ़ा देता हूँ। ये तो एक प्रोसेस है, ये एक प्रोसेस है, कुछ भी नया करेंगे पूरी एफर्ट डालेंगे, नई नई चीज़ें आएंगी। इस बार काफ़ी सारी नई चीज़ें मैं रोल आउट करने जा रहा हूँ। बैच के टाइमिंग्स, ड्यूरेशन, एवरीथिंग आई हैव डिस्कस विथ यू, एंड द पोस्टर इज ऑल्सो देयर, यू कैन वी सी दैट पोस्टर पूरा का पूरा। सी वॉट एवर क्लासेस, टाइमिंग, ड्यूरेशन, वी कमिट, वो मैं पूरा अच्छी तरह से हम लोग उसको कंप्लीट करते हैं। बहुत मेहनत के साथ मैं क्लासेस देता हूँ, क्लास के अंदर ना मैं अपनी पूरी जान लगा देता हूँ, और उसी में तुम देखोगे कि तुमको एक नया ही एक रूप देखने को मिलेगा पढ़ने का, टीचिंग स्टाइल वगैरह। तो विद ऑल दैट इन माइंड दैट वॉज द डिस्कशन। अभी होपफुली नया बैच हम लोग स्टार्ट करेंगे 20 फरवरी को बहुत अच्छे से। थैंक यू।